नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्स सुवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी को एक बहुत ही विलक्षण खगोलीय घटना घटने वाली है, एक ऐसी घटना जो पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने का दमखम रखती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही दूरगामी परिणाम लाने में सक्षम ऐसी घटना घटने जा रही है। और उसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो का हर लाइन हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, रात 8:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 फरवरी 2021 को चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मकर राशि में 7 ग्रहों की युति हो जाएगी, 7 ग्रहों का कंजंक्शन हो जाएगा। इसमें हमारे 6 रेगुलर ग्रह हैं और एक प्लूटो है। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, ये 6 हमारे रेगुलर प्लैनेट्स हो गए, और प्लूटो जो कि आउटर प्लैनेट है। प्लूटो के विषय में हम लोग कम बात करते हैं, लेकिन मेदिनी ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब पूरे विश्व की बात होती है तो उसमें प्लूटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसको हम लोग 7 ग्रहों का कंजंक्शन माने। यह कंजंक्शन 59 ईयर्स के बाद मकर राशि में होने जा रहा है। पिछले बार कब हुआ था? 4 फरवरी 1962 में हुआ था। और 1962 में जब यह घटना घटी, उसके बाद विश्व में क्या क्या हुआ, इसको यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो को बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। 1962 में लगभग थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया था। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के सिर्फ 17 वर्षों के बाद तृतीय विश्व युद्ध लगभग हो गया था, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने मिसाइल्स को तैनात कर दिया। और क्यूबा आप लोगों को पता है बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बगल में है। उसी के ठीक बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भारत एवं चीन का युद्ध हो गया था, और ठीक उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी। 1962 के बाद हमारे ट्रेवल्स में, हमारे कम्युनिकेशन की व्यवस्था में, हमारे फाइनेंसेस में, विश्व की आर्थिक व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आए थे। और इस बार जब मकर राशि में फिर से एक ऐसी घटना होने जा रही है, खगोलीय घटना, तो फिर से आप इन सभी चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मकर राशि किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? मकर राशि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, पावर, स्टेटस। मकर राशि हमारे अर्थ त्रिकोण का हाईएस्ट लेवल है, भूमि प्रधान राशि है, और हर तरीके के वेल्थ को भूमि से ही जोड़कर देखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भूमि से ही सारी संपदा है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हो, हर तरीके का वेल्थ हमको भूमि से ही मिलता है। इसलिए आप देखिएगा अर्थ त्रिकोण के तीनों राशि जो है वो तीनों भूमि प्रधान राशि है, और मकर राशि उनमें से हाइएस्ट लेवल की राशि है। और इसी मकर राशि में 7 ग्रह एकत्रित होने जा रहे हैं, यानी कि विश्व के इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है इसके बाद। और ऐसा मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में भी इंगित किया है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? भारत के कुंडली में देखिएगा तो मकर राशि 9वां भाव है, भाग्य का भाव है, और वहां से 7 ग्रह बैठकर भारत के तीसरे भाव कर्क राशि को देखेंगे।
तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का होता है, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है। और जब तीसरे भाव पर सात ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ती रहेगी तीसरे भाव पर, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि भारत का कोई ना कोई पड़ोसी कुछ बदमाशी करेगा। और ये बदमाशी किस तरफ से होगा, इसके भी दो इशारे हैं। मकर राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरा जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो ये पूरा फ्रंट है, ये पूरा एक्टिवेटेड रहेगा इस समय में। कर्क राशि जल को रिप्रेजेंट करता है, पूरे विश्व के लिए भी और भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जल से रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और चूंकि मंगल की दृष्टि है कर्क राशि पर, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समुद्री युद्ध की संभावना रहेगी अगले कुछ महीनों में, और यह युद्ध कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। आप ये मत समझिए कि इसमें सिर्फ सात ग्रह इन्वॉल्व है, मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि इसमें सारे ग्रह इन्वॉल्व है। आप ऐसा कभी मत समझिएगा कि राहु केतु और मंगल चूंकि इससे बाहर है मकर राशि से, इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। मैं समझाता हूं कैसे। उस दिन गौर से यदि आप 9 तारीख की कुंडली को देखिए तो मंगल उस दिन भरणी नक्षत्र में होंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र इस कंजंक्शन में है, मकर राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से ही सही इन्वॉल्व है। राहु उस दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा भी इस युति में, इस कंजंक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए कहीं ना कहीं राहु भी इन्वॉल्व है। केतु को गौर से देखिएगा तो उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे केतु। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध भी इस कंजंक्शन का एक हिस्सा है और बुध वक्री रहेंगे उस समय में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध वक्री होने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम लोगों को अगले कुछ महीनों तक अपने कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहेंगे कुछ और लोग समझेंगे कुछ, और कम्युनिकेशन के वजह से भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी। जो भी मैं युद्ध वगैरह की बात कर रहा हूं उसमें कम्युनिकेशंस एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा था 27 तारीख को राहु जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, इन जगहों पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं और मिलिट्री एक्शन की भी संभावना है। इस बार मैं ईस्टर्न बाउंड्रीज, बर्मा, बांग्लादेश के तरफ से भी कुछ देख रहा हूं होते हुए। सो ये सभी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, जब भी ऐसा कंजंक्शन होता है और शास्त्रों की भी माने तो इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में काफी आमूलचूल परिवर्तन होता है। हम किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, इस पर बहुत इसका फर्क पड़ता है। मैं अपने पहले के वीडियोस में भी इंगित कर चुका हूं, और अब चूंकि प्लूटो इन्वॉल्व है, प्लूटो को याद रखिए, ये अंडरवर्ल्ड का प्लैनेट है, छुपे हुए चीजों का प्लैनेट है, गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है, अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी कहा था कि पावरफुल लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ उनका जो पहले का स्कैंडल्स है वो बाहर आएगा, आप देख रहे होंगे ये शुरुआत हो चुकी है। मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा था कि जब भी ऐसा होता है, गुरु शनि युति वाले वीडियो में मैंने कहा था, लोग सड़कों पर उतरते हैं। आप आज के समाचार को देखिए, फ्रांस में सिक्योरिटी बिल के विरोध में लोग सड़कों पर हैं और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। साउथ अमेरिका के कई देशों में प्रदर्शन चल रहा है। राजनीतिक उथल पुथल की मैंने बात की थी, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट 2 दिन पहले गिर चुकी है। नीदरलैंड्स की जो चुनी हुई सरकार थी वो अब नहीं रही, नीदरलैंड्स में परेशानियां शुरू हैं। भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, अमेरिका की स्थिति पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं। आपको एक और छोटा सा वाक्य बताता हूं, एक इसी तरीके का सप्तग्रही योग 2019 में बना था धनु राशि में, और ठीक उसके बाद क्या हुआ था, दिसंबर 2019 के बाद CAA हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में भयानक रायट्स हुए थे।
इस बार इस युति के बाद क्या हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, और आप देखिएगा इसके बाद भी और कई तरह के आंदोलन होंगे। मैंने कह ही दिया है कि बंगाल वगैरह में राइट्स होने की संभावना है। स्कैंडल्स आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह में लगातार बाहर निकल रहे हैं। सो ये सभी घटनाएं घटेंगी। और फिर 12 फरवरी को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद मकर राशि की बागडोर किसके हाथों में होगी, शनि और गुरु के हाथों में होगी, और इकोनॉमी पर इफेक्ट 12 फरवरी के बाद आप देखिएगा पड़ना शुरू होगा। महंगाई बढ़ेगी, ऐसा मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है, और शास्त्रों की भी यदि माने तो सभी शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसी युति होती है तो अकाल यानी कि दुर्भिक्ष पड़ता है, फैमाइन, महंगाई बढ़ती है खाने पीने के सामानों की, माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज और उसके प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं। आप देखिएगा सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, इन सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसी युति होती है तो गवर्नमेंट का कोई डिसीशन बैकफायर कर जाता है, और इसका लॉजिक भी आप समझ सकते हैं। गुरु, शुक्र, बुध, ये तीनों जो एक तरीके के एडवाइजर्स हैं, ये तीनों इस युति में संलिप्त हैं। तो जो भी गवर्नमेंट को एडवाइस मिलेगा और उस एडवाइस पर गवर्नमेंट जो भी डिसीशन लेगी, पूरे चांसेस होंगे कि बैकफायर होगी और जनता सड़कों पर उतरेगी। सो ये सारी घटनाएं होने वाली है, और ऐसा कब तक रहेगा? शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जब तक उस राशि का स्वामी, यानी कि जिस राशि में युति हो रही है, उस राशि का स्वामी जब तक उसी राशि में बैठा हुआ रहेगा, तब तक ये इफेक्ट्स दुनिया में होती रहेंगी। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, वो अभी मकर राशि में ही हैं, और मकर राशि में वो अप्रैल 2022 तक रहने वाले हैं। इसीलिए आप मान कर चलिए कि इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है, ये कोई एक दो महीने में जाने वाला नहीं है। इस कंजंक्शन का इफेक्ट अप्रैल 2022 तक रहेगा। आप कल ही देखिए, कल का न्यूज है, मैंने कहा समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में, ब्लैक सी में एक बड़ा कार्गो शिप डूब गया। जल के ऊपर ऐसी घटनाएं बहुत घटेंगी, हो सकता है कोई हवाई जहाज समुद्र के ऊपर क्रैश हो जाए। जैसा मैंने कहा, समुद्र में मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, छोटे मोटे युद्ध हो सकते हैं, जनता आंदोलित हो सकती है, हो सकता है पानी से रिलेटेड कोई बीमारी बाहर आए, कर्क राशि इन्वॉल्व है, हो सकता है कोई ऐसा जहाज पानी का डूब जाए पानी के ऊपर जिसमें तेल भरा हुआ हो, शनि और तेल, और पूरे समुद्र में ऑयल स्पिलेज हो जाए, बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाए उस ऑयल स्पिलेज की वजह से, केमिकल्स से रिलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो ये सभी चीज होंगे फ्रेंड्स, और हम सभी लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके जिनका भी कर्क राशि है और जिनकी भी मकर राशि है, उन लोगों पर इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, शेयर मार्केट आप देखिएगा अगले एक दो महीने में, कभी ना कभी, मैं अप्रैल की भविष्यवाणी पहले कर चुका हूं, शेयर मार्केट गिरेगा। तो जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, बहुत ध्यान से करें, ये समय ऐसा है आगे की अनिश्चितताओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कैश, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखें, घर में खाने पीने का सामान भर कर रखें, अनिश्चितताओं का समय है। और इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता समझी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए इस वीडियो को। और अंत में मैं फिर से कहूंगा, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, इसी तरीके से बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव, भारत माता की जय।